स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप सभी को एक आईटीआई जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले ही बता दूँ आप सभी को कि आईटीआई पास कैंडिडेट ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अपियरिंग है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका मार्कशीट नहीं आया है, ऐसे लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। जो वैकेंसी है आपके सामने नाम लिखा हुआ है NCRTC, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये यूपी मेट्रो की जैसे है, दिल्ली मेट्रो है, उसी तरह से ये कंपनी है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इनका ज्वाइंट वेंचर है। और जो वैकेंसी आई है ये 15 सितंबर को ही आई थी। इनका डेट वगैरह जो है फॉर्म भरने का वो 21 सितंबर से है, ठीक है, रिवाइज। पहले ही बताया गया था 15 से, लेकिन 21 सितंबर से ये फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर होगा, यानी आपको 6 अक्टूबर से पहले ये फॉर्म भर लेना है। इसकी डिटेल मैं बताऊंगा। इसमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी वैकेंसी है, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है। प्लस मैं बता दूं कि ऐसी जॉब वगैरह की जो अपडेट है वो आईटीआई यूथ चैनल पर आपको मिलता है। काफ़ी दिनों से मैं ग्लोबल आईटीआई पर नहीं बनाता हूँ, ऐसे बीच बीच में इसलिए बनाता हूँ जिससे आपको बता सकूँ कि आप लोग आईटीआई यूथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आईटीआई की जॉब, अप्रेंटिस, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी जॉब है, ये सब डिटेल्स आपको आईटीआई यूथ चैनल पर मिलेगी फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर आईटीआई से जुड़ना है वैकेंसीज के लिए तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। प्लस ग्लोबल आईटीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी सरकारी नौकरी का एक टैब है जिसपे आप जाकर जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके फॉर्म और उनकी डिटेल हिंदी में जान सकते हैं। globalitii.org आपको ओपन करना है और उसमें एक टैब बाहर ही मिलेगा आपको सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी वैकेंसी जाती हैं उनको हिंदी में उसका सब कुछ बताया गया होता है और सभी लिंक वहां पर दिए गए होते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ूँ। तो ये फॉर्म जो है, लोकेशन देखिए कहाँ पर है। तो इन्होंने दिया है कि फेज़ 1 जो है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, इन एरियाज की बात हो रही है जहाँ पर ये आपको जॉब वगैरह मिलेगी, मतलब जो वर्क होगा इन्हीं एरियाज में होगा, ठीक है। और जो पोस्ट हैं, पोस्ट में देखिए ऊपर की जो पोस्ट हैं डिप्लोमा के लिए हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जो चल रहे हैं डिप्लोमा। और इसमें देखिए BSc कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए है, लेकिन 6 नंबर से जो पोस्ट हैं ये शुरू होती हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, और इसमें 43 सीट हैं। इसे अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई पास कैंडिडेट, एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई किया है तो आप फॉर्म टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र आपकी 25 होनी चाहिए, 25 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एज इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे और डिटेल देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 27 सीट हैं। इसी तरह से RAC ट्रेड, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो होती है उसके लिए 3 सीट है। फिटर ट्रेड के लिए 18 सीट हैं। वेल्डर के लिए 2 सीट हैं। उसके बाद ये नीचे फिर आ गया आपका डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग हैं, स्टेशन कंट्रोलर और ऐसे पदों के लिए। तो मैं स्पेशली आईटीआई की बात करूंगा तो जो टेक्नीशियन के जो पद हैं वो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए हैं, और ट्रेड जो है मैंने बता दिया, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, RAC, फिटर और वेल्डर, सिर्फ इन्हीं ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो सीरियल नंबर 1, 6 to 10 था, यानी जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसमें आईटीआई मस्ट है। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है या बीटेक कर लिया है तो आप 6 नंबर से 10 नंबर वाले पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा तब होगा संभव अगर आपने आईटीआई के बाद डिप्लोमा वगैरह किया है तो चलेगा, तब आप आईटीआई बेसिस पे इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जो टेक्नीशियन की पोस्ट है। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आप ये जो 25 साल वाला एज था, 25 की जगह आप 30 वर्ष तक इस्तेमाल अपने आप को मतलब अप्लाई कर सकते हैं SC ST, क्योंकि 5 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेलेक्शन का जो प्रोसीजर है। इसमें
टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके बेसिस पे, उसके बाद मेडिकल फिटनेस आपका चेक होगा। और कैसे होगा, तो जो रेलवे का मेडिकल होता है, रेलवे का जो मेडिकल का रूल होता है वही यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। और इसमें आप बात करें ये जो नीचे का पोस्ट है, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ये सब, तो इनमें जो है नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल नंबर 11 की जो है पोस्ट, उसमें टेस्ट के और मेडिकल के अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है, मतलब साइको एग्जाम भी होगा, जैसे कि लोको पायलट वगैरह के एग्जाम में होता है साइको टेस्ट, ठीक है। मेडिकल एग्जाम का हो गया। उसके अलावा बात करें कि इसमें बॉन्ड भी है, जो बॉन्ड बॉन्ड मतलब समझते हैं आप, एक फिक्स पीरियड होता है उस दौरान आप कंपनी को छोड़ नहीं सकते हैं, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पैसे देना होता है। और जो यहाँ पे बॉन्ड है इनका 2 वर्ष के लिए है, अगर आप ये कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 2 वर्ष तक आपको काम करना होगा। अगर 2 वर्ष के पहले आप काम छोड़ना चाहते हैं तो आईटीआई होल्डर वाली जो जॉब है उनको 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और जो डिप्लोमा की जॉब्स हैं उन्हें 1.5 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 2 वर्ष से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपये कंपनी को देना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करें तो ये सैलरी की इन्होंने बात किया है, तो जो आईटीआई की टेक्नीशियन की जॉब है उनको 23,850 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी, और ट्रेन ऑपरेटर की जो पोस्ट है उनको 37,750, और मेंटेनेंस स्टेशन कंट्रोलर जो डिप्लोमा की जॉब है इनमें 35,250 रुपये सैलरी है। तो मेन आईटीआई की बात करें तो 23,850 रुपये आईटीआई की सैलरी है। और ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, वो फुल्ली ऊपर ही लिखा रहा होगा, देखिए सबसे पहले लिखा था रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, मे बी इन फ्यूचर ये कॉन्ट्रैक्ट इनका एक्सटेंड होता रहता है, रिवाइज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने टाइम के लिए है तो नीचे आपको देख जाएगा, ये यहाँ पर देख लेते हैं, सर्विस बॉन्ड के बाद इन्होंने नीचे लिखा हुआ था सैलरी, सैलरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 वर्षों के लिए रहेगा, जब आपको नौकरी मिलेगी उससे अगले 3 वर्ष तक के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस पर आपको काम करना होगा, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह ये कराएंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उस समय आपको ट्रेनिंग के दौरान भी जो है स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा, ठीक है, जहाँ तक सब में मिलता है। हालांकि यहाँ पर इसमें कुछ खास लिखा नहीं, इसमें लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो इंटेंसिव ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटेंसिव ऑन जॉब ट्रेनिंग फॉर प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जॉब, ठीक है। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फीस वगैरह कितनी लगेगी, तो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं इनको 500 रुपये आवेदन के समय पर देना पड़ेगा, और SC ST कैंडिडेट जो हैं इनको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, यानी फीस 0 होगी, ठीक है। तो अगर आप आईटीआई पास हैं तो चाहें तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होगा इसका, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट होगा, और यहाँ पर लिखा है पोस्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल ऑन 21 सितंबर मंथली आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट, सक्सेसफुल जो होगा आपका एप्लीकेशन पेमेंट वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। इसमें यही है कि 21 सितंबर को जब फॉर्म अवेलेबल होगा तो आप उसको सबमिट करेंगे, तो सबमिशन के बाद आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी जनरेट होगा स्लिप वगैरह उसे डाउनलोड करके आपको रख लेना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर में आप जो भी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट www.ncrtc.in पर जाना होगा, और कोई अलग मोड नहीं है, ऑफलाइन या हार्ड कॉपी जो है भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको स्टेप यहाँ पर दिया है इन्होंने कैसे कैसे फॉर्म भरना है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लस मैं टेलीग्राम का जो लिंक है ग्लोबल आईटीआई का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर दिखा रहे हैं इन्होंने कि वेबसाइट पर जाना है, कैरियर के सेक्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद ये आपका ONM वैकेंसी लिखा हुआ आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद अपने आप आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे, फॉर्म कंप्लीट बनना होगा, और यहाँ पर साइज इन्होंने दे रखा है फोटोज वगैरह की, जो फोटो है वो कलर फोटो होनी चाहिए,
और जेपीजी और 80 KB से कम की होनी चाहिए। अधिकतम जो है 80 KB तक का चलेगा। जेपीजी या जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका सिग्नेचर होना चाहिए स्कैन किया हुआ, वो भी अधिकतम 80 KB या उससे कम का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी SC ST हो आपका जो, या EWS वगैरह, तो वो भी होना चाहिए स्कैन किया हुआ और 1 MB से कम साइज़ का होना चाहिए, अधिकतम 1 MB चलेगा। डेट ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट मतलब 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हैं स्कैन किया हुआ, और वो भी अधिकतम 1 MB का होना चाहिए। और मार्क्स सर्टिफिकेट मतलब आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट लगाइए ITI की, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट इन्होंने लिखा है, यानी कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो होती है ITI की ओवरऑल जो एक में होती है उसको स्कैन करके अपलोड कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो भी 1 MB से कम का होना चाहिए। तो ये सब है प्रोसेस, और यहाँ पर लिखिए कैंडिडेट कैन सबमिट देयर ऑनलाइन अप्लीकेशन मेक पेमेंट टिल 6 अक्टूबर, मतलब 6 अक्टूबर के रात 11:59 के पहले आपको ये सब कुछ कर लेना है। बाकी और भी डिटेल्स हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, मेन जो आपका था मैंने वो सब डिटेल्स आपको बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। इन फ्यूचर जो भी वैकेंसीज की अपडेट मिलेंगी आपको वो सभी ITI यूथ चैनल पर और ग्लोबल ITI के सरकारी नौकरी वाला जो ऑप्शन है इस वेबसाइट पर मिलेगा। इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और डायरेक्टली भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं NCRTC, और सबसे पहला ही ऑप्शन आएगा कैरियर्स NCRTC, यहाँ पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। थैंक यू।